अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सऊदी अरबिया से लाइव हूँ। मैं पिछले 6 साल से सऊदी अरबिया में कंपनी में काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरबिया में काम करना चाहते हैं। ये सऊदी अरबिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही पुरानी कंपनी का रिक्वायरमेंट है और उस कंपनी का नाम है नेस्मा पार्टनर्स कंपनी। तो अगर आप सऊदी अरबिया में नेस्मा पार्टनर्स कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। बस रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस कंपनी से रिलेटेड और ऑफिस से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड और इसका शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड और इसका जब फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू डेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में देने की कोशिश करूंगा। अगर जानकारी डिटेल्स पसंद आए तो बस भाई लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सऊदी अरबिया की बहुत ही फेमस कंपनी है। ये बेसिकली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है, जैसे रिफाइनरी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, आर्मी कैंप हो गया और हाई राइज बिल्डिंग है, इनके मेंटेनेंस का काम करती है। अगर आप सऊदी अरबिया में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट, ये कंपनी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। नेस्मा कंपनी की बात करें तो ये 28 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है और स्टिल इसमें 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। तो जिसका रिक्वायरमेंट आ चुका है और अभी इसमें जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है, इसमें 1000 से ज्यादा वेकेंसी आई हुई है। अगर आप सऊदी अरबिया में नेस्मा पार्टनर्स कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलते हैं जॉब कैटेगरी की तरफ। जिन जॉब कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट वैकेंसी आई हुई है उन जॉब कैटेगरीज के नाम और सैलरी मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। बस रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कैटेगरी के नाम और सैलरी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो आप जो है पता नहीं चल पाएगा आपको। जिन जॉब कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, उन जॉब कैटेगरीज के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसमें से इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, और प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, डक्ट मैन की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, पाइप फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, डक्ट फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, क्लेडर जिसका सैलरी 1200 रियाल है, ब्रेजर जिसका सैलरी 1200 रियाल है, जनरल फोरमैन डक्टिंग जिसका सैलरी 2200 रियाल है, और पाइप वेल्डर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 1200 रियाल है, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 900 रियाल है, प्लम्बर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 900 रियाल है, पाइप फिटर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 900 रियाल है, डक्ट मैन हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 900 रियाल है, डक्ट फैब्रिकेटर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 900 रियाल है, पाइप फैब्रिकेटर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 900 रियाल है, इंसुलेटर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 900 रियाल है, एसी टेक्नीशियन हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसका सैलरी 900 रियाल है, लीड मैन इलेक्ट्रिकल जिसका सैलरी 1600 रियाल है, लीड मैन डक्टिंग जिसका सैलरी 1600 रियाल है, लीड मैन इंसुलेटर जिसका सैलरी 1600 रियाल है, लीड मैन एसी टेक्नीशियन जिसका सैलरी 1600 रियाल है, लीड मैन पाइपिंग जिसका सैलरी 1600 रियाल है, लीड मैन प्लम्बिंग जिसका सैलरी 1600 रियाल है, लीड मैन फैब्रिकेटर जिसका सैलरी 1600 रियाल है, जनरल फोरमैन इलेक्ट्रिकल जिसका सैलरी 2200 रियाल है, फोरमैन एसी टेक्नीशियन जिसका सैलरी 2200 रियाल है, जनरल फोरमैन एसी टेक्नीशियन जिसका सैलरी 2200 रियाल है, जनरल फोरमैन पाइपिंग जिसका सैलरी 2200 रियाल है, जनरल फोरमैन प्लम्बिंग जिसका सैलरी 2200 रियाल है, फोरमैन प्लम्बिंग जिसका सैलरी 2200 रियाल है, जनरल फोरमैन इंसुलेटर जिसका सैलरी 2200 रियाल है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर जिसका सैलरी 2500 रियाल है, एचवीएसी सुपरवाइजर जिसका सैलरी 2500 रियाल है, एसी सुपरवाइजर जिसका सैलरी 2500 रियाल है, पाइपिंग सुपरवाइजर जिसका सैलरी 2500 रियाल है। ये रही सऊदी अरबिया की नेस्मा पार्टनर्स कंपनी की जॉब कैटेगरीज। अगर आप इनसे रिलेवेंट काम करते हैं और सऊदी अरबिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही पुरानी नेस्मा पार्टनर्स कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग इसमें हेल्पर से लेके टेक्नीशियन, सुपरवाइजर्स, फोरमैन सभी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप सऊदी अरबिया में नेस्मा कंपनी में मेंटेनेंस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो
तो इससे ज़बरदस्त, इससे बेहतरीन रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं हो सकती। और सबसे खास बात ये है, इस कंपनी की ये 200 रियाल फूड अलाउंस भी दे रही है। कंपनी की फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी 200 रियाल फूड अलाउंस दे रही है और एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल प्रोवाइडेड बाई कंपनी। तो ओवरऑल कंपनी की रिपुटेशन वेल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सऊदी अरबिया में नेस्मा कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे आप जो है इस कंपनी में आ सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से खुद ही सऊदी अरबिया में कंपनी में काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया मेंटेनेंस कंपनी में नेस्मा कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट आपके लिए बेस्ट है। सैलरी की बात करें तो ये कंपनी जो गल्फ कंट्री का नियम होता है 1 से 5 सैलरी पीरियड, और ये बिल्कुल उस पीरियड में उस टाइम में सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है ये कंपनी। और इसका रिक्वायरमेंट जमशेदपुर के गोल्डन मेन पावर इंटरनेशनल कंसल्टेंट ऑफिस में आ चुका है और अभी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें 19 अगस्त 2023 तक इसमें शॉर्ट लिस्टिंग चलेगा। तो अगर आप सऊदी अरबिया में नेस्मा पार्टनर्स कंपनी में काम करना चाहते हैं तो गोल्डन मेन पावर ऑफिस में ऑनलाइन या ऑफलाइन विजिट करें और अपना डिटेल्स ऑफिस को सबमिट करें और शॉर्ट लिस्टिंग करवाएं। अगर आप सऊदी अरबिया में वाकई काम करना चाहते हैं तो 19 अगस्त से पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, तभी ये कंपनी ये ऑफिस आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करेगी या कॉल करेगी। और सबसे खास और सबसे जरूरी बात यह है, इसमें इंडियन एक्सपीरियंस भी वैलिड है। अगर आप इंडियन 5 साल इंडिया में काम किए हुए हैं तो आप जो है इस रिक्वायरमेंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गल्फ कंट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको गल्फ कंट्री का, तो भी आप जो है इस रिक्वायरमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक वैलिड पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और आप जितनी पढ़ाई किए हुए क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट की जरूरत है शॉर्ट लिस्टिंग में। तो अगर आप नेस्मा कंपनी में सऊदी अरबिया की मेंटेनेंस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले शॉर्ट लिस्टिंग करवाना पड़ेगा। बाकी ऑफिस का ऑफिशियल ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल। तो अगर आप जमशेदपुर से बाहर हैं तो अपना डिटेल्स जो है ऑफिस को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग करवा सकते हैं। और रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग, एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हूँ। कोई भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट जो है ऑफिस को कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते। बाकी ऑफिस की बात करें, ऑफिस 28 साल से भी ज्यादा पुरानी ऑफिस है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से मान्यता प्राप्त है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वैलिड है। तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको 110% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज भाई लोग वीडियो को लाइक और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और फ्यूचर में लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले लेटेस्ट रिक्वायरमेंट में अगले लेटेस्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।